ब्रह्मा जी चार दुनि आठ नेत्रों से, कार्तिकेय भगवान बारह नेत्रों से और भोले बाबा पांच तिहाई पंद्रह नेत्रों से सरकार के दिव्य दूल्हा स्वरूप का दर्शन पा रहे हैं। बरात का साज समाज देखा गया, देवताओं ने पुष्प की वृष्टि करते हुए ऐसी प्रशंसा करी। जग बिरंच उपजावा जब ते देखे सुने व्याह हम, सकल भांति समसाज समाज सम समधि देखे सम माने बराबर, धी माने बुद्धि, सामध देख देव अनुरागे बरसी प्रसून प्रशंसन लागे। दोनों वंशों की प्रशंसा देवता लोग कर रहे हैं, क्यों? देखिए क्या समानता है, ये विदेहराज हैं जिनको अपने शरीर का ही ध्यान नहीं रहता है। जोग भोग मह राखेव गोई, राम बिलोकत प्रगटेव सोई, इन्हीं बिलोकत अति अनुरागा, बरबस ब्रह्म सुखही मन त्यागा। चक्रवर्ती जी महाराज धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी, अरे हृदय भगति मति सारंग। विदेह राज का अपना राज समाज है, अयोध्या नाथ का अपना राज समाज है, वहां चक्रवर्ती जी महाराज के यहाँ ब्रह्म ने अवतार लिया, विदेह राज के यहाँ माँ आह्लादिनी शक्ति जगजननी पारम्बा माँ भगवती सीता महारानी ने अवतार लिया। परिवार दोनों भागवत है, तुलना परिवार के साम्य भाव से करनी चाहिए, अर्थ भाव से कदापि नहीं रिश्तों को नापा जाए। अर्थ तो ऐसा विचित्र है, पुराणों में लिखा है कि अर्थ में पंद्रह दुर्गुण है। अर्थ व्यवहार के लिए है, अर्थ जीवन के लिए नहीं है। अर्थ में इतने अनर्थ हैं जिसकी व्याख्या नहीं की जा सकती। कभी अवसर आया तो बोलेंगे, सुनेंगे आप। परंतु रिश्तों नात संबंधों को चलाने में प्रेम कारण है, विवेक कारण है, धीमने बुद्धि कारण है, धृति कारण है। हम कितना समझते हैं एक दूसरे को, कितना जीते हैं एक दूसरे के लिए, संबंधों को संभाल करके चलना। सरकार द्वार पर गए, विद्वान आचार्यों ने वेद मंत्र पढ़ा, मध्यपर का आदि विधि हुई, गुरुदेव भगवान का श्रेष्ठ आसन लगा, पधराया गया, आसन पर पूजन हुआ। चक्रवर्ती महाराज जैसा सभी बरातियों का मिथिलेश ने स्वागत किया है कुशध्वज भैया के संग में। अर्घ पूर्वक परमात्मा श्री राम को दिव्य दूल्हे स्वरूप से मंडप में प्रवेश कराया गया। मिथिला में बिटिया रानी भी आती हैं, सखियां माँ को भी लेकर आई हैं। जनकराज महाराज माँ सुनैना जी स्वर्ण थाल रखे सन्मुख पूजनोपरांत और कंचन कलश में धेनुमति का जल पधराया गया है। सरकार ने श्री चरण रखा है थाल में और बाबा कहते हैं लागे ये पखारन पाए पंकज प्रेम वरन सुलकारी नभन भर काज विधान जय दोनी उमारी दानु चहुनी सी चले के पद Yeah।
और अब तो कुमरु कुमरी कल वामांग में आ गई या सनस्त हुई। चक्रवर्ती जी महाराज ने देखा तो समाधि लग गई। गुरु वशिष्ठ भगवान ने जनक राज से कहा, राजन आपके और कन्याएं हैं क्या? बोले प्रभु अभी तीन बिटियां हैं हमारी, एक हमारी और दो हमारे छोटे भैया कुशध्वज जी की। लाइए यहां भी महाराज के अभी तीन लाला हैं, राम जी के छोटे तीन भैया हैं, भरत जी लक्ष्मण जी और शत्रुघ्न जी। सजी सजाए बहन के विवाह में तो बहनें पहले से रहती हैं। अरे आज्ञा पाते ही जनकराज महाराज और कुशध्वज जी गदगद हो गए हो। सब साज संवार के बिटिया लोग लेकर के आई हैं। माँ मांडवी का विवाह भरत जी के साथ, जानकी अम्बा की लघु भगनी उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ, मांडवी जी की छोटी बहना माँ सुकृत जी का विवाह शत्रुघ्न जी के साथ, मंडप एक और दुल्हा दुल्हन चार चार आए हैं। सखियां गा पड़ी, आज मिथिला नगरिया निहाल सखिया, आज मिथिला नगरिया चार दुल्हा में पड़ता मखमली मोरिया न देखली सुनली कान है, दुल्हा में बड़का
रघुबीर व्याह विधि वरणि सकल भुवर पाए देहि कर कहि न जाय कछु दाय जघोरि रहा कनक मणि मंडप। विवाह संपन्न हुआ, बहुत सारी सामग्री दाइज के रूप में पिताजी ने दिया है।